कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स के कार्य में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार न दिए जाने से खफा बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। बंबर ठाकुर का कहना है 70.30 रेसो के तहत प्रोजेक्टों में बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रावधान लागू है, बावजूद इसके बिलासपुर में नियमों की दजियां उड़ाई जा रही है। हैरत भरा ये है कि मजदूर से लेकर इंजीनियर तक सभी बाहरी राज्यों से लगाए गए हैं। जिला में केवल दो बड़े रसूखदार ठेकेदारों को काम मिला है, जिसके लिए वे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद करना चाहेंगे कि स्थानीय लोगों के हितों को दरकिनार करते हुए इन बड़े ठेकेदारों को तरजीह दी गई है। यहां परिधि गृह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्स निर्माण कार्य में स्थानीय बेरोजगारों की अनदेखी किए जाने को लेकर बंबर ठाकुर ने जेपी नड्डा और स्थानीय विधायक पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि कुछ एक ठेकेदारों से अक्सर घिरे रहने वाले विधायक अपनी ही मस्ती में मस्त हैं, जबकि पूर्व कांग्रेस के समय विकास कार्यों के लिए जारी किए गए बजट अभी तक खर्च नहीं हो पाया है। उन्होंने इस बात पर रोष प्रकट किया है कि जिले में केवल दो ठेकेदारों को काम दिया गया है, कि सबसे अधिक करीब है। जब वे स्थानीय लोगों के साथ धरना देने कोठीपुरा पहुंचे तो एक रसूखदार ठेकेदार ने वहां पहुंचकर धमकाना शुरू कर दिया। यही नहीं, एडीएम कार्यालय के बाहर धरना देते समय इस रसूखदार ने आंदोलन खत्म करने के लिए चेताया। आखिरकार जनता को डराने धमकाने वाले ये रसूखदार होते कौन हैं? भाजपा पत्र बम की सीबीआई जांच की मांग को लेकर धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस ने रैली निकालकर डीसी कांगड़ा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। ब्लॉक कांग्रेस ने इस दौरान कोतवाली बाजार से डीसी कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों की खरीद फरोख्त में जिला कांगड़ा से संबंधित एक व्यक्ति का नाम आया है। दवाई माफिया को सरकार संरक्षण प्रदान कर रही है। भाजपा के पत्र बम को लेकर सुधीर शर्मा ने कहा कि जिस पर आरोप लगे हैं उसकी जांच करवाई जानी चाहिए। यूथ कांग्रेस को लेकर सुधीर शर्मा ने कहा कि युवा संगठन पर सवाल उठ रहे हैं। अभी तक प्रदेश में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को स्थायी अध्यक्ष नहीं मिले हैं। धर्मशाला में यूथ कांग्रेस की आयोजित बैठक के बारे में सुधीर ने कहा कि उन्हें इस बैठक की कोई सूचना नहीं दी गई है। इस संबंध में उन्होंने सुबह ही प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की है। उपचुनाव को लेकर सुधीर ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं तथा चुनाव की घोषणा के साथ आप देखेंगे कि कांग्रेस पूरे उत्साह के साथ मैदान में उतरेगी। सोलन में अब तक के चिट्टे के सबसे बड़े सप्लायर को सोलन पुलिस ने आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ही ली। पकड़े गए हरियाणा के इस तस्कर से लाखों रुपए के चिट्टे की खेप पकड़ी गई है, जिससे साबित होता है कि सोलन पुलिस ने चिट्टे के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने का न केवल प्रण लिया है, बल्कि उसे खत्म करने के लिए उसने पूरी ताकत भी झोंक दी है, जिसके परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। यही वजह है कि सोलन पुलिस को हिमाचल रक्षक अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने हरियाणा जाकर दबिश दी और 95.98 ग्राम चिट्टे के साथ करनाल के सप्लायर संजय को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बताया कि अब इस सप्लायर से आवश्यक पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस सप्लायर ने हिमाचल में कहां कहां अपने नेटवर्क बनाया है। विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग व मातक गौशाला एवं गौ विज्ञान केंद्र डहाकुलाड़ा में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भागवत कथा का भी आनंद लिया। विश्व हिंदू परिषद के सुनील दत्त ने बताया कि इस गौशाला में भागवत करवाने का मुख्य उद्देश्य गौ की रक्षा करना है और समाज को इसके प्रति जागृत करना है। जो गौ माता सड़कों पर घूम रही है, इस विषय पर स्वामी ने लोगों को शिक्षित किया। मुझे उम्मीद है कि इलाके के लोग इस संस्था के साथ जुड़कर इस गौशाला के उत्थान के लिए पूरा योगदान करेंगे।
इसी को लेकर भागवत कथा का आयोजन किया है जो कि एक सप्ताह तक चलेगी, जिसका समापन 20 तारीख को होगा। गौ रक्षा नूपुर के अर्पण चावला ने बताया कि हमारे हिंदू धर्म में गौ माता का एक माँ का स्थान दिया गया है, लेकिन आज हमें सड़कों पर जगह जगह घूमती हुई गौ माता दिखाई देती है। बहुत से सज्जन गौ माता को आवारा गौ माता का नाम देते हैं। गौ माता आवारा नहीं है, आवारा हम खुद हैं, जिन्होंने इस गौ माता को दूध निकाल कर के जब से ये दूध देना बंद कर देते हैं तो उस समय हम इन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। अगर हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हम उन्हें सड़कों पर अकेला छोड़ देते हैं? आचार्य मधुसूदना ने बताया कि पूरे विश्व से कामना की जाती है कि हमारी भारतीय परंपरा में गौ माता को माता का स्थान दिया जाए, उसे माँ का स्थान से ही पूजनीय माना जाए। इसी की रक्षा के लिए जन समूह से कामना की जाती है कि सभी युवा वर्ग विशेषकर आगे आएं और गौ माता की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। इसी के माध्यम से हम नशे से भी मुक्त हो सकते हैं। जब हम कार्य में लगेंगे, कर्म में लगेंगे, तो हम बुरी वासनाओं से बचेंगे।